इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। आइए आपको ले चलते हैं आज की बड़ी खबर पर। लखीमपुर खीरी जिले में अवैध खनन माफियाओं के हौसले बुलंद। लखीमपुर खीरी अवैध खनन को लेकर आए दिन सुर्खियों में रहता है। बालू भरी ट्रैक्टर ट्रॉली ने एक्सयूवी में मारी जोरदार टक्कर, बाल बाल बचा वाहन स्वामी। वाहन स्वामी ने लगाए ट्रैक्टर ट्रॉली चालकों पर बड़े आरोप। अपने बयान में बताया कि जो सड़कों पर ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित स्पीड में चल रही है, जिन पर ना ही कोई नंबर प्लेट है ना ही रेडियम प्लेट है। सीधा आरोप लगाते हुए बताया कि ट्रैक्टर ट्रॉली में चोरी की सड़कों पर दौड़ रही है और पुलिस प्रशासन इस पर कोई कार्रवाई नहीं करता। इतना ही नहीं, वीडियो में हम आपको ये भी दिखाएंगे कि किस तरह से एक नाबालिग बालक किस तरह से बालू भरी हुई ट्रैक्टर ट्रॉली को सड़क पर तेजी से दौड़ा रहा है। अवैध खनन को लेकर आए दिन खबरें प्रकाशित होती है, किंतु शासन प्रशासन पर जू तक नहीं रेंगती। सूत्रों की माने तो खनन माफिया विभागीय अधिकारियों को देते हैं मोटा नजराना। पिछली खबरों में हमने आपको दिखाया कि खनन पर जो रमन्ना जारी होता है उसमें किस तरह से प्रशासन की आंखों में धूल झोंका जा रहा है। रमने में लीज एग्रीमेंट में संपूर्ण नगर रोड अटरिया दिखाया जा रहा है, जबकि अटरिया शारदा नदी का निकटतम क्षेत्र है। इंडियन टीवी न्यूज पर लखीमपुर खीरी से संजय सिंह ब्यूरो की रिपोर्ट। क्या हादसा हो गया आपके साथ? मेरी गाड़ी ठुक रही बालू वाले, जो बालू पे ट्रेक पे जा रहे, बालू पे खनन वाला। अच्छा, खनन वाले जो बालू वाले। हम दिन में साइड हमारी ट्राली की लास्ट पीछे से। लगभग कितना नुकसान हो गया आपका गाड़ी में? मुझे 10 लाख की गाड़ी, 15 लाख मेरा नुकसान हो गया। गाड़ी में कुछ भी ना बचा है। जो ट्रैक्टर था वो भी मौके पर कहाँ है? ट्रैक्टर यह खड़ा है, लेकिन उसमें कोई नंबर है। ट्रैक्टर भी चोरी का है। वो बिना नंबर का है ट्रैक्टर? चोरी का है। ठीक, ट्रैक्टर अतरिया का है। इसी तरह देश दुनिया की हर खबर को जानने के लिए देखते रहिए इंडियन टीवी न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ। इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।